दोस्तों, कुदरत ने जमीन पर कुछ ऐसे ऐसे चीजें बनाई है जिन्हें देखकर इंसान तंग रह जाता है। लेकिन आपने बहुत से कुदरत की सुंदर चीजें देखी होगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में होने वाले सुंदर करिश्मों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आप भी चौंक जाओगे। और आखिर में तो आपको बताऊंगा कि सूरज में बारिश कैसे हुई थी। नंबर 5, यह घटना है फरवरी 2018 की, जब कुरियंटिया शहर में अचानक बारिश के साथ साथ बर्फ भी गिरनी शुरू हो गई। यह घटना शाम के 5:30 में शुरू हुआ था। शुरू में तो बारिश और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे थे, मगर कुछ ही देर में यह मंजर पूरी तरह से बदल गया और बर्फ के टुकड़े टेनिस बॉल के जितने बड़े बड़े गिरने लगे। और साथ ही यहाँ पर मौजूद लोगों का मानना था कि यह बर्फ के टुकड़े इतने बड़े थे कि जमीन में गिरने के बाद एक बॉल के आकार में टूट जाते थे। वाकई यह बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिसके चलते वहाँ पर मौजूद गाड़ियाँ, यहाँ तक कि घर भी टूट गए थे। नंबर 4, सेलिंग स्टोन। पूर्वी कैलिफोर्निया में एक ऐसा रेगिस्तान मौजूद है जिसका नाम डेथ वैली है। यह एक ऐसा जगह है जहाँ गर्म और सूखा स्थान है। यह एक ऐसा जगह है जहाँ वैज्ञानिकों को हमेशा कुछ न कुछ चौंकाने वाली चीजें मिलती रहती है। इस जगह पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीजें है इस जगह पर घिसकने वाले पत्थर। इस रेगिस्तान के पत्थर बिना किसी मदद से घिसकते रहते हैं। इन घिसकते पत्थरों को सेलिंग स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। खुद ब खुद घिसकते हुए पत्थर वैज्ञानिकों के लिए एक ऐसा पहेली बनी हुई है जिसे अब तक नहीं सुलझा पाया गया है। यहाँ के रेस्टेक क्षेत्र में 220 किलोमीटर तक पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा गया है। और वैज्ञानिकों की टीम ने पत्थरों को खुद ब खुद घिसकते हुए रेस्टेक को सुलझाने के लिए अपनी एक टीम बनाकर यहाँ खोज शुरू कर दी है। वहीं इनमें से एक केरी नामक पत्थर लगभग 317 किलोमीटर तक था, जो अध्ययन के दौरान बिल्कुल भी नहीं हिला था। लेकिन जब वैज्ञानिक वहाँ पर कुछ साल बाद लौटे तो उन्हें उस पत्थर को अपनी जगह से 1 किलोमीटर दूर पाया गया। हालांकि अब तक कोई ठोस सबूत नहीं पता चल पाया है कि आखिर यह पत्थर अपनी जगह से खुद ब खुद क्यों घिसकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह इंसान या जानवर के जरिए इन पत्थरों को घसीटने के सबूत नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर मौजूद मिट्टी में कोई भी छेड़छाड़ नहीं दिखाई देती है। इसीलिए संभावना जताई जाती है कि भौगोलिक बदलाव या तूफान के चलते पत्थर अपनी जगह से घिसक रहे हैं। खैर, पत्थरों के घिसकने का राज आज तक बना हुआ है। नंबर 3, आर्कटिक जैसी जगह पर अक्सर झील जम जाती है, लेकिन इन बर्फों में मीथेन गैस भी फंस कर रह जाता है, जिसे मीथेन बबल भी कहा जाता है। और इसे तोड़कर इस पर आग लगाई जाती है तो यह तुरंत आग पकड़ लेती है और यह तब तक जलती रहती है जब तक मीथेन गैस न खत्म हो जाए। और इसका पता आप आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि यह गोला या अंडाकार शेप में होते हैं, लेकिन यह किस्मत से ही देखने को मिलते हैं। नंबर 2, ये तो आपको पता होगा कि जब भी भारत में रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है, क्योंकि दोनों देश धरती के ऑपोजिट साइड में मौजूद है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिन और रात आखिर कहाँ मिलते हैं? तो दुनिया में कई ऐसी जगह है, उनमें से एक जगह यह भी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तरफ सुबह हो रहा है तो दूसरी तरफ रात हुआ है, और ऐसा आपने शायद ही कहीं देखा होगा। नंबर 1, हमारी पृथ्वी पर अक्सर बारिश होती रहती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर सूरज पर बारिश हो तो क्या होगा? यह घटना 9 जुलाई 2012 की है, जब सूरज में एक विस्फोट हुआ था और जिसकी वजह से सूरज में आग की बारिश हुई थी। और यह घटना बहुत ही रियर और खतरनाक था, और यह देखने में ऐसा लग रहा था कि ऊपर से लावा गिर रहे हो।